अक्षय कुमार की फिल्म के साथ पहली बार ऐसी खबर सामने आ रही है कि जबरदस्ती कुछ लोगों ने थिएटर में घुसकर अक्षय कुमार की फिल्म को बंद करवाया है, वो भी डंके की चोट पर, धमकी देकर। क्या कुछ ये पूरी खबर है और ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे थिएटर्स में लग चुकी है। इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसके पहले ही एक बड़ा कांड हो गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि इस वक्त देखिए कश्मीर फाइल्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना परचम लहरा रही है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स बन गई है ये। महज 10 से 11 करोड़ के बजट की ये फिल्म थी, लेकिन ये अपने बजट से कहीं ज्यादा कमा चुकी है। जी हाँ, 100-150 करोड़ तक ये फिल्म जो है वो पहुंच चुकी है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि केसरी रंग पहने हुए कई सारे मॉब्स जो है वो अंदर घुस जाते हैं थिएटर के, और ऑल ऑफ अ सडन बच्चन पांडे कि चलते शो को बंद करा दिया गया, और चलते शो को बंद कराकर पब्लिक को बाहर निकाला गया, और जिद कराई गई है कि यहाँ पर कश्मीर फाइल्स ही लगाई जाएगी। जी हाँ, इस बारे में बात करते हुए, इस बारे में रिपोर्ट बताते हुए बॉम्बे टाइम्स ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पोस्ट शेयर किया है। मैं आपको बताती हूँ, बॉम्बे टाइम्स लिखते हैं, अक्षय कुमार बच्चन पांडे शो फोर्सिबली स्टॉप्ड एंड थिएटर cleared out as mob demands screening of the Kashmir files. A mob wearing saffron scarves interrupts the screening of Akshay Kumar. अक्षय कुमार बच्चन पांडे एंड क्लियर्स आउट द थ्रेट, यानी कि जितने भी लोग थे उन सभी को बाहर निकाला गया, और ये जिद कराई गई है कि बच्चन पांडे यहाँ कोई नहीं देखेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कश्मीर फाइल्स लगाई जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं, द मॉब फोर्सफुली स्टॉप्ड द स्क्रीनिंग ऑफ द बॉलीवुड फिल्म एंड डिमांडेड दैट कश्मीर फाइल्स नीड्स टू बी वॉश्ड। जी हाँ, एंड ये बहुत मैसिव इंसिडेंट है। अगर इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी होने लगी तो फिर बॉलीवुड की कई फिल्में जो है उन पर बुरा असर पड़ सकता है। वेल, अब तक ऑफिशियली अक्षय कुमार का इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना ही बच्चन पांडे की टीम का कोई रिएक्शन आया है, लेकिन आपको इस बारे में क्या है कहना, आप बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में।